हेलो स्टूडेंट, मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 6। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। यदि बिंदु 1,2,4,y x,6 और 3,4 बिंदु इसी क्रम में रहने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूं सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, सबसे पहले एक हम समांतर चतुर्भुज लेते हैं। एक मेरा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, बिंदु ए बी सी और डी। ठीक है, ये क्या है, क्रम में है। 1,2 है इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक है बी के 4,y, सी के निर्देशांक है आपके x,6 और डी के निर्देशांक है 3,5। तो ये क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्ष से कोई x और y हमें ज्ञात करने। ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण भी होंगे और ये विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को एक बिंदु पे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, एक तो ये करेंगे इस समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित, एक भाग दो भाग, एक विकर्ण कर क्या करेगा, इस समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित समान दो भागों में बांटेगा। एक भाग ये बन रहा है, एक भाग ये बन रहा है, एंड क्या कर रहा है, एक प्रतिच्छेद कर रहे। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे। इस बिंदु के निर्देशांक में x,y लेता हूं, मुझे यही x,y के मान ज्ञात कर ले। ठीक है, अगर मुझे दो बिंदुओं के बीच जो प्रतिच्छेद करते हैं तो इनके बीच के जो एक्स वाई है ये मुझे क्या करने, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों, ठीक है, पहले विकर्ण एसी से, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु, ठीक है, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, विकर्ण एसी का अगर मैं मध्य बिंदु लूंगा तो मेरा क्या आएगा, ठीक है, विकर्ण एसी का मध्य बिंदु तो एक्स प्लस वाई बट्टे दो। एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे दो ले लो, ठीक है, वाई वन प्लस वाई टू बट्टे दो। ए सी विकर्ण के लिए ए और सी के लिए ले रहा हूं एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे दो, वाई वन प्लस वाई टू बट्टे दो। ये मेरे निर्देशांक होंगे इसके, ये मैं एक्स वन ले लू, ये वाई वन मान लू, ये एक्स टू मान लू, ये वाई टू मान लू। तो मेरे यहां से निर्देशांक क्या निकलेंगे, एक्स वन क्या है मेरा एक, ठीक है, एक प्लस एक्स टू क्या है मेरा एक्स बट्टे दो कॉमा वाई वन दो प्लस वाई टू छ बट्टे दो। ठीक है, ये निर्देशांक मेरे यहां से निकालते तो वन प्लस एक्स क्या होगा, वन प्लस एक्स ही होगा बट्टे दो, एंड दो प्लस छ, छ प्लस दो आठ, आठ बट्टे दो, ठीक है, यहाँ पे आठ होगा, आठ बट्टे दो कितना हो जाएगा मेरा चार हो जाएगा। ठीक है, दो चुको आठ, ठीक आ रहा समझ, छ प्लस दो आठ, अगर दो का आठ में भाग दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा चार। तो यहां मेरे निर्देशांक क्या जाएंगे, इसके एसी का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, एक प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा चार। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या निकालने, बीडी के, ठीक है, बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु क्या आएगा मेरा, यहां पे भी मुझे ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लूंगा, तो यहां भी वही आएगा मेरा एक्स वन प्लस एक्स टू बट्टे दो कॉमा वाई वन प्लस वाई टू बट्टे दो। ठीक है, यहां से एक्स वन क्या हो जाएगा बेटा मेरा, एक्स वन होगा ये चार प्लस एक्स टू होगा मेरा यहां बी और डी। ठीक है, मैं बी और डी के निकाल रहा हूं, ठीक है, तो डी ये है बी ये है, तो बी के निर्देशांक क्या है, डी के निर्देशांक क्या है, देखो अब इसमें से मेरे को एक्स वन क्या मिला, यहां से एक्स वन चार
एक्स टू क्या है यहां से, एक्स टू की वैल्यू एक्स टू वाई टू, एक्स टू यह है 3/2 कॉमा वाई वन वाई प्लस वाई टू 5/2। ठीक है, ये मेरे निकल जाएंगे यहां से निर्देशांक 7/4, 7/2 कॉमा वाई प्लस 5/2। ठीक है, अब देखो यहां पे मेन चीज क्या है, यहां पे मेन चीज है कि ये दोनों बिंदु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है, ये दो बिंदु एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहां से मेरे इसके निर्देशांक क्या निकल रहे हैं, इसके निर्देशांक मेरे निकल रहे हैं यहां पे 1/(x/2,4) और इसके निकल रहे थे मेरे ये x के हैं ये y के हैं। ठीक है, 7/(2,y+5/2)। ठीक है, अगर ये बिंदु एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अगर विकर्ण BD विकर्ण AC को एक बिंदु एक्स वाई पे प्रतिच्छेद करता है, तो इसके जो विकर्ण इसके जो निर्देशांक के प्रतिच्छेद कर रहे तो इस तरह आएंगे, इसके निर्देशांक एक इस तरह आएंगे, क्योंकि एक दूसरे को एक संधिविभाजित भी कर रहे हैं, बराबर दो भागों में विभाजित कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां से मुझे निर्देशांक क्या मिल जाएंगे एक्स वाई के, तो 1/(x/2) की जगह क्या आ जाएगा 7/2 बराबर 7/2। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा 7/2 एंड जो ये है इसकी जगह वाई प्लस 5/2 इसकी जगह क्या आ जाएगा बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यों किया ऐसा, इसको यहां क्यों लाया और इसको यहां क्यों भेजा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, एक दूसरे पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये समद्विभाजित समान दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसलिए मैंने निर्देशांक का पक्षांतर इधर उधर कर दिया। ठीक है, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं आगे, अब यहां से क्या होगा मेरा 1/(x/2) बराबर 7/2 यहां से मेरा आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा, यहां से मेरा आ जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1+ यहां पे क्या आया था मेरा 1/(x/2) बराबर 7/2 और वो क्या आए थे मेरे y+5/2 बराबर 4। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो ये यहां जाके क्या हो जाएगा 1+x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में यहां जाके क्या हो जाएगा, ये दो यहां जाके गुणा हो जाएगा 2/2, इस दो से ये देव कैंसिल, तो 1+x बराबर क्या आ गया 7। ठीक है, 1+x बराबर मेरा क्या आ गया 7 आ गया, और यहां से मुझे x की वैल्यू निकालूं तो x इसका पक्षांतर यहां होगा x बराबर ये इसके पीछे जाएगा 7, ये माइनस का हो जाएगा 1, x बराबर क्या आ गया यहां से मेरा 6 आ गया। एंड अगर मैं y की वैल्यू यहां से निकालूंगा, ठीक है, x बराबर 6 आया, अगर y की वैल्यू निकालूं यहां से मैं, तो y+5/2 बराबर 4 है, y+5/2 बराबर अगर 4 है तो मुझे यहां से y+5 बराबर कितना मिलेगा, यहां से इसका पक्षांतर करूंगा ये भाग में है, यहां जाके गुणा होगा तो 4 × 2 y+5 = 8। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 यहां पे प्लस में है, ये 8 के पीछे जाके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा 8 के पीछे जाके माइनस में, तो y बराबर मेरा आ जाएगा 3। ठीक है, तो x एंड y के मेरे दो निर्देशांक निकल गए, x बराबर क्या निकल गया मेरा 6, y बराबर 3, तो x, y बराबर आ गया मेरा 6, 3। तो ये क्या मिल गया मुझे 6, 3, और यही मुझे ज्ञात करना था, इसी एक्स वाई के ज्ञात मुझे मान ज्ञात करने थे। ठीक है, क्वेश्चन को एक कॉपी एंड एक पेन निकाल के जरूरी करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक क्या है 1, 4। देखो बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हमें, ठीक है, हमें करने बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने।
ठीक है, यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जो ए बी है वृत्त का क्या है व्यास है, जिसका केंद्र क्या है 2, -3, इसका केंद्र बिंदु हमारा जो ओ दिया है 2, -3 दिया है, तब बिंदु बी के निर्देशांक हमको दिए हैं 1, y, तथा बिंदु बी के निर्देशांक क्या दिए हमको 1, 4, यहां से हमें क्या निकालना है ए के निर्देशांक, जो बिंदु ए के निर्देशांक हमने क्या माने, बिंदु ए के निर्देशांक x, y मान लिए, हमें मध्य बिंदु दिया है, जो बिंदु ओ है ओ से बी की तरफ ये क्या होती है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यहां से यहां तक एक त्रिज्या, यहां से यहां तक दो त्रिज्या, तो ए ओ, ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, ये त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है, वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, मतलब ये त्रिज्या ओ बी और ए ओ क्या होंगे आपस में बराबर होंगे ना, क्योंकि त्रिज्या का क्या होता है व्यास दुगना होता है 2r होता है ना, और त्रिज्या क्या होती है r होती है, तो r प्लस r, यहाँ r होगा यहाँ r होगा, ये क्या हो जाएगा 2r, तो ए बी बराबर किसके है ob के है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इन दोनों का मध्य बिंदु और इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से मध्य बिंदु निकालूं ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, ए बी जो है इसका अगर पूरे का मध्य बिंदु, हाँ जो ये ओ है केंद्र, हाँ ए बी का मध्य बिंदु निकालूंगा मैं पहले, ए बी का अगर मध्य बिंदु निकालूं ए बी का मध्य बिंदु अगर मैं यहां से ज्ञात करूंगा तो ए बी का मध्य बिंदु क्या आएगा मेरा ए के ठीक है x1 + x2 / 2 x + 1 / 2 ठीक है x + 1 / 2 और y + 4 / 2 बराबर दे रखा है हमें, बराबर मध्य बिंदु दे क्या रखा है 2, -3, ये हमें दिया हुआ है x + 1 / 2 मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें बट्टे दो करना होता है y प्लस, क्योंकि हमें इसके निर्देशांक निकालने, हमने इसको क्या मान लिया एक्स वाई मान लिया, इसको निर्देशांक दिए हैं और बिंदुओं के निर्देशांक हमने मान लिए, ठीक है, तो x + 1 / 2 एंड y + 4 / 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, तो हम इस निर्देशांक को इसके बराबर लेंगे, इस निर्देशांक को इसके बराबर लेंगे, ये x के निर्देशांक है तो x y, इसको x के बराबर, इसको y के बराबर, ठीक है, तो यहां से हम लेते हैं x + 1 / 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के एंड y + 4 / 2 बराबर हो जाएगा 3 के, ठीक है, अगर मैं यहां से क्रॉस गुणा करूं तो 2 × 2 = 4, तो x + 1 बराबर मेरा आ रहा है 4, कॉमा यहां से गुणा करूं तो 2 × 3 = 6, y + 4 बराबर आ रहा है -6, ठीक है, अब मुझे यहां से x का मान निकालना, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 4, ये पक्षांतर होके -1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, तो x बराबर आएगा मेरा 3, ठीक है, अगर यहां से y हल करूं तो y बराबर -6 तो था ही, अगर इसको यहां भेजे तो -4, तो y बराबर क्या आ रहा है मेरा -10, तो मेरा x और y के निर्देशांक आ गए, तो x बराबर मेरा 3 आ गया एंड y बराबर आ गया मेरा -10, तो मुझे x y दोनों के निर्देशांक यहां पे क्या है मिल चुके हैं, x के निर्देशांक y के निर्देशांक, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन इससे पहले वाला और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉपी पेन निकालना, जहां पे नहीं आती है वीडियो को रोक के देखो एंड दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, थैंक यू।